सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियां दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया मतेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द करने का ऐलान। पब्लिक एक्शन कमेटी नाल बैठक तो बाद लिया प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला। मतेवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क योजना रद्द करने का विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा वालों स्वागत। कहा पंजाब के लोगों ते वातावरण प्रेमियों की भावना के मद्देनजर लिया गया फैसला। पंजाब सरकार ने लिया वड्डा फैसला। पद्म श्री राजेंद्र गुप्ता ते सुनील गुप्ता नूं बनाया पंजाब राज प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन। लुधियाणा के मतेवाड़ा जंगलों से चल रहे विवाद से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वड्डा फैसला लेंदे हुए मतेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द करने का ऐलान किया। इस विरोध में बीते दिन जबरदस्त प्रदर्शन होया सी, जिस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में संघर्ष की अगवाई कर रही पब्लिक एक्शन कमेटी नाल मीटिंग की। इस मीटिंग में मतेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द करने से सहमति बन गई, जिस तो बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया से एक वीडियो भी साझी की है, जिस में उन्होंने कहा कि मतेवाड़ा के जंगलों से कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। पंजाब का पानी गंदला हो रहा, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे ने। बदकिस्मती ये है जिन्हां नूं पहलां जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दित्ता सी, वह खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वह बाग छेती उजड़ जांदा। अजकल मतेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है, मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार ने एक प्रपोजल भेजी कि इतने टैक्सटाइल इंडस्ट्री लानी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे दरिया च पानी, किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साढ़े वालों मंजूर है। तो जो साढ़े को दोबारा फाइल आई तो असं वह सारा पता किया। असं क्या भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जोड़ा वो सतलुज के जाऊगा, जहरीला होगा। तो असी ये गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असी उन्होंने जी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मतेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा है वह वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगेगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वल्लों होया कि मतेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जे उन्होंने लाउणी है असी कितें होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असी गुरु नानक साहब ने जो लिखा सी कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, असी इन्हां तिन्ने दर्जियां नूं बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ, बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों मतेवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क योजना नूं रद्द करन दे फैसले दा पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने स्वागत किया। पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला पंजाब दे लोकां ते वातावरण प्रेमियों की भावना के मद्देनज़र लिया। संधवा ने कहा कि इस नाल पंजाब दे वातावरण नूं ते सतलुज दे पानी नूं होण वाले संभावी नुकसान तो बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि श्री भगवंत मान ने अजिहा करके खुशहाल पंजाब प्रति अपनी जिम्मेवारी का प्रगटावा किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाहकार कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने तो बाद राघव चड्ढा भगवंत मान के नाल मुलाकात करने लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान जिथे राघव चड्ढा ते भगवंत मान विचाले विचार चर्चा हुई उथे ही राघव चड्ढा ने भगवंत मान के गोडी हाथ ला के आशीर्वाद लिया। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया जिस विच उन्होंने लिखा है कि मान साहब ने उन्होंने पंजाब के लोगों की सेवा करन दे मौके दे नाल निवाजे है। अज इस नवे सफर नूं शुरू करन तो पहला उन्होंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि अपने वड्डे वीर जी ते मुख्यमंत्री नूं मान महसूस कराने लिए अपना खून पसीना बहा देंगे। पंजाब सरकार ने ट्राइडेंट ग्रुप इंडिया के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता नूं राज आर्थिक नीति ते प्लानिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। उन्होंने अहुदे की म्याद 3 साल होगी। जिक्र योग है कि पदम श्री डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता पहला श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा गठजोड़ की सरकार वेले ते उस तो बाद कांग्रेस की सरकार च योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे ने, पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद उन्होंने योजना बोर्ड नूं भंग करके उसकी जगह राज इकोनमिक पॉलिसी ते योजना बोर्ड का गठन किया। जिसका अज डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता नूं मीत प्रधान नियुक्त किया गया। पंजाब सरकार दे वलों कैनरा बैंक चंडीगढ़ के साबका डायरैक्टर टैक्सेशन सलाहकार सुनील गुप्ता नूं भी पंजाब स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन का अहुदा दिता गया। हलका तरन तारण तो विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल वालों सिविल हस्पताल तरन तारण का अचानक दौरा किया गया। सिविल हस्पताल विच पहुंचे मरीजों दी मुश्किलां सुनिया गया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदे विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने कहा कि लोगों दी शिकायतां मिल रही सन, जिस तों बाद चैकिंग की गई। उन्होंने कहा कि हस्पताल विच दवाइयां दी काफ़ी शॉर्टेज है ते डॉक्टर भी काफ़ी घट ने, ते दोवां समस्यावां दा जल्द हल कढ़िया जाएगा। सिविल हस्पताल तरन तारण का अज दौरा किया वा, तो जो इतने मरीजों वालों शिकायत आ रही ने उस दवाइया की जी बहुत घाट पाई जा रही है। मरीज कहें कि दवाइया उन्होंने जड़िया वो बाहरों लैनिया पै रही। दूसरा जोड़ा कुछ ऑपरेशन वाले मरीज आ, वो काफ़ी दिनों तो अपने ऑपरेशन की वारी उड़ीक रहे हैं, तो जे पुछण तो पता लगा वा भी वो अनस्थैटिस्ट जो घोष करने वाले डॉक्टर ने उन्होंने घाट है। जिले के सिर्फ एक घोष करने वाला डॉक्टर है, तो वह भी अज जो 5-4 दिन की छुट्टी पर है। सो इस करके वो जोड़े मरीज ने उन्होंने बारे SMO साहब ने कहा वा कि कोई ना कोई उन्होंने बदलवा प्रबंध करके जल्दी तो जल्दी जोड़ा उन्होंने ऑपरेशन करवाए जा, क्योंकि बाहरों असी आउटसोर्स के उत्ते डॉक्टर जोड़े आोषी वाले ले सकते हैं। सो वो इन्हों क्या वा भी जल्दी तो जल्दी कोई ना कोई अपना अरेंजमेंट करके तो कर, कोई भी इतने जी कमी पेशी नहीं रहन दें, क्योंकि डॉक्टर की घाट है। मैं सेहत मंत्री साहब को बेनती करा कि जोड़े जोड़े डॉक्टर इतने घट ने, वो भी असी जल्दी इतों जी घाट पूरी करने की कोशिश करा, तो हस्पताल का जोड़ा सेवावान इन्हों बेहतर बनावा। जलंधर च केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जलंधर के व्यापारियों नाल मिलकर गलबात की, जिस दौरान उन्होंने व्यापारियों दी समस्यावां सुनिया ते उन्हां दे हाल दा भरोसा दिता। नाल ही उन्हां 2024 च आउण वालियां लोकसभा चोणां संबंधी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जलंधर हल्के च उन्हां दी ड्यूटी लगाई है, तो इत्थे पार्टी दी गतिविधियां दी समीक्षा भी करनगे। मुझे जालंधर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है, तो मेरा ये पहला टूर है मिलने का। सबसे सुबह से कल से मैं सबसे मिल रही हूँ और सबकी बातचीत भी सुन रही हूँ। और देखो, संबंध जब बनते हैं तो संबंध बहुत दूर तक चलते हैं, तो जालंधर मेरे लिए जो 24 तक दिया 24 तक ही नहीं रहेगा। जब एक बार संबंध कहीं बन जाता है, साधु तो आप जानते हैं कि किसी को एक बार कोई घर में निमंत्रण के लिए ले जाए, एक बार वो घर देखाता तो बार बार जाता है, लगा रहेगा। तो यहाँ जो हमारे उद्योग से जुड़े हुए बंधु थे, उनकी जो दिक्कतें थी उन्होंने अपनी दिक्कतें मुझे बताई हैं। मैं उनको जो जिस विभाग के समस्याएं हैं उनमें मंत्रियों से बैठ के बात भी करूंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों को बुला के उनके सामने मीटिंग करवाऊँगी।
गैंगस्टर डगू भगवानपुरिया नू ब्यास पुलिस ने कोर्ट विच पेश किया। कोर्ट ने भगवानपुरिया नू 6 दिन दे रिमांड उते भेज दिता है। हुण गैंगस्टर भगवानपुरिया की अगली सुनवाई 17 जुलाई नू होवेगी। तुहानू दस दईए कि 2017 विच अपने साथी शुभम नू पुलिस की कस्टडी विचों छुड़ाउण दा मामला सी। तुहानू इह वी दस दईए कि मानसा पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कतल केस च दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की इजाजत नाल गैंगस्टर जगदीप भगवानपुरिया नू गिरफ्तार किया। मिली जानकारी अनुसार मूसेवाला नू मारन वाले 2 शार्प शूटर जग्गू ने मुहैया करवाए सन। ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਜਬ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां समेत भाई जगतार सिंह हवारा दीआं तस्वीरां PRTC दीआं बसां तों लाहे जाण दे आदेश देण तों बाद पैदा होए रोह नूं वेखदिआं PRTC प्रशासन चुक गया अते प्रशासन वल्लों तस्वीरां हटाउण बारे जारी कीता पत्र वी वापस लै गया। PRTC दे मुख गेट दा अज दल खालसा ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे आगुआं वल्लों घिराओ कीता गया। इस तों बाद आगुआं ने PRTC दे आगुआं दे नाल बैठक कीती ते अपने मुद्दे रखे। PRTC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ MD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ बहुत ही इतराज़योग शब्द वरते सी। उस शिकायत नू स्कैन करके इस डिपार्टमेंट दे एक कार्यकारी इंजीनियर नोडल अफसर ने अपने तो हेठां डिपुआं दे विच ऑर्डर दे तौर ते जारी करता जिस ते सानू इतराज़ होया। अखीर विच इस गल ते सहमति होई है जिहड़ा अफसर ने मन्निया कि साडे दफ्तर तो गलती होई है कि असी उहदी शिकायत नू स्कैन करके हेठां हुक्म तौर ते पत्र जारी नहीं सी करना चाहिए सानू। तो सहमति मुताबक उन्होंने अज आ पत्र फिर सानू दिता है जिहदे विच उन्होंने अपने पहले पत्र नू रद्द करता है। कस्बा जोगा दे नेड़ले पिंड अकलिया दे किसान रेशम सिंह ने अपना तकरीबन अद्धा किला नरमे दा वाह दिता है। किसान रेशम सिंह ने भरे मन नाल पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिया दस्सिया कि अद्धा किला नरमे च गुलाबी सूंडी ने हमला कर दिता। रेशम सिंह मुताबिक गुलाबी सूंडी दे वध रहे माड़े प्रभाव कारण नरमा खराब हो चुकिया सी जिस कारण मजबूरी विच नरमा वाहुणा पिया। इस मौके किसान यूनियन सिद्धूपुर दे आगुआं ने सरकार तों मुआवजे दी मंग कीती। गुलाबी सुंडी पई सी ते 3-4 दिन पहला असीं पहला भी चैक करके गए सानू इह सी कि की पता कंट्रोल च आ जाए पर उस तों बाद अज चिट्टा मच्छर भी बहुत ज्यादा ते गुलाबी सुंडी दा वधारा हो गया। इस करके हुण इह किसान आ जो रेशम सिंह इह अपना नरमा वाह रहा सी ते इस दे नरमे दी असीं पुष्टि करन दे लई तां कि सरकार नूं दस्सिया जा सके कि जो इह हालातां दे विच किसान जा रहे ने ते जो आर्थिक संकट दे विच किसानी घिरी हुई है इह चों बाहर कढ़िया जावे। इस दे लई असीं इस किसान दे नाल अज खड़े हां। असीं सरकार तों मंग करदे हां जी पहली गल तां इह है कि किसान जो चंगे बीज लैके आउंदा है उह मार्केट दे विच चंगे कह के बेचे जांदे ने पर सरकार दी उहनां ते कोई भी ज्यादा सख्ताई नहीं हैगी। पिछली बार भी जो अटैक होए ने उह भी की सी कि खाना पूर्ति कीती सी सरकार ने जदों चिट्टा मच्छर आया उदों भी खाना पूर्ति कीती सी क्योंकि ना तां उहनां ते कोई लीगल एक्शन हो रहा ते ना ही कोई बीज मुहैया करा रही है सरकार। इहने बिल वाला बीज बीजिया होया सरकार तो असी मुआवजे दी मंग करदे आ कि इह किसान नूं तां कि आर्थिक संकट चों कढ़िया जा सके। संगरूर च सड़क हादसे च इक अध्यापका दी मौत होण दी खबर सामने आ रही है। घटना तालब चौंक कोल वापरी। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि बबीना राणी मूनक दे हमीरगढ़ प्राइवेट स्कूल विच काम करदी सी जदों स्कूल तों घर वापस आ रही सी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उस नूं फेट मार दित्ती जिस नाल उह हेठां डिग गई ते ट्रक ने उस नूं दरड़ दित्ता अते इसे दौरान स्कूटी नूं अग लग गई। ट्रक चालक मौके तों फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके बनदी कार्रवाई शुरू कर दित्ती है।
जिला गुरदासपुर च देर रात पिंड तलवंडी रामा च एक निजी हस्पताल के अणपछाते व्यक्तियों वालों गोलियां चलाउण दा मामला सामने आया। इस संबंधी हस्पताल के मालक ते मौजूदा सरपंच डॉक्टर पलविंदर सिंह ने दसिया कि वह छुट्टी करके वापिस अपने पिंड पखो के पहुंचा तो उन्होंने रात को करीब 9 बजे हस्पताल च मौजूद मुलाजम ने दसिया कि हस्पताल के बाहर गोली चली है। उन्होंने कहा कि पहला भी उसनों फिरौती लिए धमकियां मिल रही सन, इस दौरान उसके हस्पताल से फायरिंग की गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतनी समाप्त होता है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दियो इजाजत। धन्यवाद।